निशान बना रहता है, उसमें नक्षत्र में स्टार ने मिलकर ऐसा डिजाइन बनाया, तो हमारे ऋषि मुनि ने वो तराजू का एक शेप बनाया। तराजू इस मीन्स द ओल्ड टाइम देयर इज अ तराजू लाइक दिस, दो पलटे होते, एक में वेट बहुत रखते थे, एक में स्टम रखते थे और बैलेंस करते थे। तो इसके साइंस से लगता है कि जो लिबरल्स हैं, जो तुला राशि जिनके पास है, जिनका मून सेवन नंबर में सिचुएटेड है, दे आर हैविंग द लिब्रा जूडियम। द फ्यूचर ऑफ द लिब्रा जूडियम, माय गॉड, दे आर फुल ऑफ फन, रोमांट, ग्लैमर, दे ऑल्सो enjoy glamorous life, number one. Number two, need keep keen and quiet, साफ स्वस्थ रखते हैं अपने आपको, परफ्यूम के साथ रखते हैं, और स्वभाव they are very balanced people. आप इन लोगों की विशेषता है कि इनके पर कोई भी बड़ा से बड़ा दुख आएगा, आप you cannot feel from their face. और कहीं से बड़ा खुशी के पल भी आएंगे, they have to power to handle the both situation along with the same impression. हम यमिनी मिश्र वाले एकदम थोड़ी सी खुशी में एकदम हो जाते हैं बावले, वो थोड़ी सी पीड़ा में बहुत ज्यादा चेहरे से पता लगने लगता है। लेकिन ये उस प्रकार के लोग होते हैं जो एक संतुलित लोग रहते हैं और कम बोलने वाले रहते हैं। Like opposite the Geminis. Geminis are, they are very कम बोलते हैं, they are very soft spoken and very less speaking people. And normally अपने आप को स्वच्छ रखते हैं और आसपास जो भौतिकवाद का है, यही शुक्र, क्योंकि इसका मालिक शुक्र है, तो सभी बाहरी जगत की जो भी चीजें हैं, a cause of any bothersome worries accepted your body and your relation point of view, outer world activity, everything is related with the Venus. आप मकान भी खरीदते हैं, हो सकता है आपकी जरूरत हो, लेकिन उसको लग्जरी बनाने की कोशिश करते हैं। आप गाड़ी भी लेते हैं तो नए से नए मॉडल करते हैं, तो Venus involvement is every your desires. आपकी हर खुशी के साथ शुक्र ग्रह जुड़ा है, और शुक्र ग्रह के जुड़ने का पहला काम या तो आपका वृषभ राशि या तुला राशि। महंगी से महंगी कार पसंद करते हैं, दे लोग प्रीफर, दे ऑलवेज गो इन द वीआईपी कल्चर। एनीबॉडी लिब्रियन हियर, कोई तुला राशि वाला है? ओ माय गॉड, जया जी अपोजिट सेकंड नंबर, वेरी गुड वेरी गुड। मैं सुनील, सुनील आल्सो वेरी गुड, सुनील आल्सो बड़ा। मैं अंजू धर्मशाला से। अरे बेटा अंजू, अरे तेरे को मैं देख रहा हूँ दो दिन से। Yes, yes, yes. मैं समझे अनु है, यूएसए से। अच्छा भैया, शी जस्ट आई वांट टू इंट्रोड्यूस हर, हर नेम इज अंजू, शी फ्रॉम धर्मशाला एंड शी इज हर ओन वन गुड रिसोर्ट देयर। और मुझसे 5-6 साल पहले की पुरानी यात्रा है हमारा। 5-6 साल नहीं गुरुजी, 15 साल पहले की। 15 साल पहले कैसे मुलाकात? अच्छा आप बताइए अंजू जी, हम तो भूल गए, आप बताइए। याहू मैसेंजर पे है ना? हाँ याहू मैसेंजर पे। आप बताइए अपना परिचय, क्या हुआ था हमारे बीच में, कैसे मिला? देखो याहू मैसेंजर पे मैंने चैटिंग करना शुरू किया था, उसके बाद मैंने भैया बना लिया, तब से मैं अब तक इनको राखी भेजती हूँ हर साल। और इनका बेटा भी एक बार घूम गया था ऐसा कुछ? हाँ घूम गया था, उसको ढूंढा था आपने। साल से लगातार जब भाई माना मुझको राखी 15 साल से आ रही। राखी 15 साल धर्मशाला से आ रही है, और मैं नियमित भतीजे से बंधवाता हूँ मैं इसके एनजीओ की, पर ये फिर बात दे पाता हूँ इसको, कुछ टोकन मनी नहीं भेज पाता मैं, पर ये भेज टोकन मनी नहीं होता है, लव एंड अफेक्शन इज टोकन। मांगता हूँ तो वो मना कर देती है। एनीवे अब उसको जो भी हम अच्छा काम करें तो बहन बेटियों का अधिकार तो उसको होता ही है, तो आपका अधिकार पूरा पूरा है। थैंक यू अंजू, आज को पहचाना, कल भी हमने देखा अंजू जी को, मैंने फोन भी आया एक काम बीजी था। हाँ मैंने कल आपको कॉल किया था आप बताने के लिए कि बहुत अच्छा है आपका सेशन। कभी भी धर्मशाला जाए तो एक रिसॉर्ट है वहाँ पर, व्हाट्स द नेम रिसॉर्ट? स्प्रिंग वैली रिसॉर्ट, स्प्रिंग वैली रिसॉर्ट। हाँ तो आप कोई भी जाए आप हमसे नंबर लीजिएगा अंजू जी का,
whenever you plan anything, so just first we pray, we हम अधिक से अधिक कोरोना से बच पाए, उसके बाद हम प्लान करें एक बार धर्म बिल्कुल 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 करेंगे. चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड योर ब्लेसिंग्स. थैंक यू गुरुजी. देखो आप कैसा कनेक्शन होता है. 15 साल पहले हम कल सेशन से देख रहे थे, मैं क्या ये अनु लग रही है, यूएस में भी एक अनु फॉलोवर है हमारी, मैं पहचान नहीं पाया. लेकिन देखो आप वही लेडी है जो 15 साल से हमें राखी भेजी हुई, हम पहचान नहीं पाए. ये भावनाओं का खेल होता है जो कि इस 5 तत्व के शरीर से कहीं 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 परे होता है. एंड टुडे जस्ट आई वॉन्ट टू ग्रीट ऑल द वुमन्स बिकॉज टुडे इज द डॉटर डे. आज का दिन डेडिकेटेड इंटरनेशनली टू अवर ऑल डॉटर्स. तो एज ए गुरु माँ पिता यू ऑल आर माई डॉटर एंड आई प्रे वॉट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम योर कमिंग लाइफ. जो भी आप अपने आने वाले जीवन से चाहते हैं सब आपको मिले. और आप चूंकि एक बेटी के रूप में पीड़ा आप झेल रहे, मेरा पूरा विश्वास है हर चीज आपको मिलेगी. लेकिन आपकी संतुष्टि तो हो नहीं पाएगी क्योंकि आपको ईश्वर ने ऐसा बनाया है. माँ तत्व से नवाज जाए तो माँ कभी संतुष्ट नहीं हो सकती. पर लेकिन मेरी तरफ से आज की तरफ से प्रार्थना यही है और हम सब जो पुरुष लोग हैं उन सब की तरफ से प्रार्थना यही है कि आप सब लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें. ओके एवरी मैन एग्रीड विथ मी. शुभम, सुनील जी, हर्ष जी है, यस, श्रीलमन जी, ओके, राजू, संजीव, राजकुमारी, नलजीत, रूपा जी, ऋषि, यूएस, मधु जी, रूपा जी, अर्चना जी, पूनम जी एंड विद्या जी, माधवी जी, कंचन जी, नमस्कार दुबई, बहुत दुबई, गीता, गीता, नलजीत, ब्लेसिंग, शीला, ब्लेसिंग, ऋषि, वर्षा, मधुवी, अर्चना, टीना, ब्लेसिंग, टीना वाई यू क्लोज, पूनम, अच्छा पूनम बत्रा, आई सी. तो हम चर्चा करें, आज का दिन तो बड़ा अच्छा है भाई, आज का दिन डॉटर्स डे है. और वो बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घर में बेटी होती है. और सबसे बड़ा दान करने का सौभाग्य भी इनको मिलता है क्योंकि ये कन्या दान करते हैं. आप कल्पना करें कि अगर आप एक पिता या माँ हैं और आपके घर में एक बिटिया को आपने पोला, पाला, पोसा, बड़ा किया, बंदिशों में पाला और ऐसे एक हाथों में सौंप दिया जो उसका अनजान था, एक अनजान परिवार में हम चले गए. कभी कभी वह दूसरा दुख आता है, एक बोझ उतरता है, दूसरा आपको चढ़ जाता है. मेरी बेटी खुशी रहे कि पूरा जीवन आपका इसमें निकल जाता है. लेकिन बड़े धन्य होते हैं वो लोग माता पिता जो बेटी का कन्यादान करने का सौभाग्य मिलता है उनको. कन्यादान शास्त्रों में कहा है सबसे बड़ा दान है, जिसमें देह दान भी इन्वॉल्व है, धन दान, सभी तन मान भाव धन तीनों का मिला. एक लड़की जो देह भी उसकी किसी और को दान दे दी जाती है, तो जो भी हस्बैंड है दे कैन नॉट पे द डेट ऑफ द इन-लॉस फैमिली. उन माता पिताओं की भावनाओं आप समझ नहीं सकते. कई लोगों के मन में परेशान है, अरे गुरु जी मैं तो मेरी बीबी से परेशान हूं. होगा आपसे चलता है. लेकिन बट आई रिस्पेक्ट ऑल द डॉटर्स टूडे, यू आर जस्ट लाइक ए डॉटर इन द फ्रंट ऑफ मी, मे बी पॉसिबल सम आर इन द इक्वल एज, बट एज ए गुरु एलिमेंट आई जस्ट ग्रेस ऑल ऑफ यू. तो अगेन वी स्टार्ट अवर जर्नी लिब्रन. कभी कभी कुछ ग्रहों की मार ऐसी आती है कि वो लिब्रा वाले एक जिसे कहते हैं कि हमारा ट्रेन बड़े कितना डायमंड से लगा हुआ, लेकिन कभी कभी कोई गुफा आती है तो हमारी पूरी ट्रेन छूट जाती है. क्योंकि शुक्र असुरों के देव है, शुक्राचार्य बोलते हैं उनको, तो जितने राहु के देव हैं, तो इससे भी क्षमता कभी कभी शुक्र ग्रहों के साथ भी आती है. लेकिन मेरा मानना है बहुत जल्दी विनम करके वो आगे बढ़ते हैं. कभी देवदार गिव अप, they are very committed and मुझे अभी जया का पता लगा, जया is very committed, very disciplined, my God. ये बड़े balanced people रहते हैं
और ऐसा नहीं, क्योंकि क्या होता है, देखिए आप लिब्रन है मान रहे हैं, लेकिन आपका नक्षत्र किस में है, आपने मान तो लिया भाई आपकी सही वो किस नक्षत्र में है और उसके नक्षत्र के किस चरण में है, उसके ऊपर डिसाइड करेगा आपका फर्दर एक्सपांशन। क्योंकि लिब्रेंस तो खूब सारे हैं, लाखों करोड़ों लोग होंगे, एक दो फीचर्स उसमें आप निकाल रहे हैं, लेकिन आपका लिब्रेंस में आपकी मून किस नक्षत्र में है, कितनी डिग्री का है, किस नक्षत्र में, उसका सब लॉर्ड कौन है, वह सब लॉर्ड के हिसाब से आपका भविष्य डिसाइड होगा। जहां तक नक्षत्र की बात करूं, तुला नक्षत्र पहला दो चरण इसके स्वाति के आते हैं, चित्रा नक्षत्र के, उसके बाद स्वाति नक्षत्र के चार चरण आते हैं, और बचे हुए दिन इसके कौन सा नाम है, विशाखा। तो विशाखा नक्षत्र, अब आप देखिएगा हर नक्षत्र में पूरे नौ ग्रह समावित है। एक जो राशि होती है वह 30 डिग्री की होती है, वो एक नक्षत्र 13.20 डिग्री का होता है। तो हर नक्षत्र में पूरे के पूरे नौ ग्रह समावित होते हैं, 13.20 डिग्री एक नक्षत्र में सभी नौ ग्रहों का समावेश होता है, और वो नक्षत्र में जितने डिग्री का होगा उस डिग्री पर देखा जाएगा इसका कौन से नक्षत्र का सबलॉर्ड कौन है, उसके हिसाब से आपका जीवन चलता है। मतलब हॉरोस्कोप सूक्ष्मता से जाए, इतनी सूक्ष्मता की बात भी मैं आपको बड़े आसान ढंग से समझाऊंगा। लोगों को मेरे को लगता है गीता भी यहां पर है, कितना सब लॉर्ड ढूंढने में करने में कितना याद हो रहा है, कंटस करना पड़ता है। अरे भाई पहले तो 12 राशियां करो, है ना, क्रम 12 राशियों में, 12 राशि के बाद 27 नक्षत्र याद करो, और हर नक्षत्र में फिर 9 ग्रहों को याद करो। बट बाय द डिवाइन प्लानिंग बड़ा सरल करेंगे हम और श्रीरमन आपके लिए, और देखिएगा आप जब हमारा एस्ट्रोसेंट चालू होगा कि कितनी सरलता से वही ज्ञान आपको, क्योंकि वह ज्ञान आप है ना सीखना चाहते हो, और जो इंसान सीखना चाहता है उसके लिए कठिन से कठिन ज्ञान भी बड़ा सरल रहता है। तो यह वीनस शुक्र ग्रह, अब आपको बताएं हम दुबई, दुबई में सामान्यतः आप देखेंगे कि सभी जो शेख हैं अधिकांश लोग सफेद कपड़े पहनते हैं, एंड अनादर मून में एक्टिवेट करते हैं, शुक्र भी व्हाइट कलर होता है, और परफ्यूम सब लगा के रखते हैं परफ्यूम। तो देर आर दोज आर द जो जो लिबरेंस है वो दे लाइक द परफ्यूम ऑल्सो, वो अलग अलग टेस्ट के परफ्यूम वो प्रिफर करते हैं। तो देखिए दुबई के जो शेख होते हैं बड़ा सुख समृद्धि वाले होते हैं, वो हमेशा सब के सब सफेद चौके पहने रहेंगे और परफ्यूम इत्र डाल के रखेंगे। कंचन जी ठीक बोल रहा हूं मैं, माधवी जी ठीक बोल रहा हूं मैं, तो दिस इज द कारण दे एक्टिवेट ऑल द प्लैनेट्स। ओके, तो देखिए आप पीस प्रॉस्पर्टी कितनी वहां पर। और आगे बढ़ते हम शुक्र के चर्चा करने के बाद, तो शुक्र में जो नक्षत्र आता है स्वाति और एक विशाखा, इनके भी अलग अलग फीचर्स हैं, वो सब लॉर्ड में हम नहीं जाएंगे, अभी मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करूंगा। देखिए आप, हमने प्रेडिक्शन किया था टोरस के ऊपर राहु का, टोरस में आने से बॉलीवुड में बहुत दिक्कत होगी। 29 तारीख तक शनि वक्री है, फिर मार्गी हो जाएगा। तो हमने कहा था कि कल ही परसों हमने एक आर्टिकल डाला था हमारा कि 29 तारीख तक आपके सामने बहुत नाम आएंगे, और कल एकदम साइलेंट हो गया कि भाई सब लोगों से पूछताछ खत्म हो गई, ये चलो यार ठीक है। लेकिन आज वापस पता लगा कि देव कैप्चर फ्रॉम देयर मोबाइल एंड समथिंग कुछ हिडन वो निकाल के रखा होगा। तो देखिए कोई भी पुरानी चीज अगर आएगी तो वो निकलेगी, ये राहु की सबसे बड़ी क्वालिटी देती है, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द राहु। तो जब भी कोई प्लैनेट आपका आता है तो हम तो आपको अभी तैयार कर देंगे, ये माह खत्म होने आया, इसमें हम जब एस्ट्रो सेशन लेंगे उसमें आपको इतना हम तैयार कर देंगे कि पूरा डिटेल में तो नहीं, लेकिन आप अपना चार्ट तो पढ़ सकें, एंड यू कैन रीड, एंड अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते। आप अपने चार्ट का मत सोचो अभी, तो आप सोचो कि हम अपने से कैसे अपने आप को अपग्रेड करें।
जिसे आता है ना सैमसंग S9, S1, S2 अपग्रेड, तो ये अपग्रेड करते जाना अभी आपको। देखो आपको मैंने भगवत गीता से अपडेट करा, मैंने आपको अष्टांग योगा से अपडेट करा, मैंने आपको वेदांत से अपडेट करा है, और मैं अभी आपको एस्ट्रो से अपडेट करा रहा हूं। क्यों? इसलिए नहीं कि आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है, आपको इसलिए कि आपको अपना जो एस्ट्रोलॉजी साइंस प्रिडिक्टिव साइंस नहीं है, ये करेक्टिव साइंस है। आप अपने द्वारा प्लैनेट को ठीक कैसे करें, और वो हमने आपको गिफ्ट, अपने प्लैनेट को हील करने की गिफ्ट हमने आपको पहले ही दे रखी है, डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग प्रोसेस से और भस्म योग प्रोसेस से। एंड मे बी पॉसिबल ऑन द ट्यूजडे आई हैड द इंटरव्यू ऑफ द न्यूयॉर्क चैनल का इंटरव्यू है ITV गोल्ड, तो दे आर गोइंग टू आस्क इंटरव्यू फॉर मी आई थिंक मोर देन हाफ एन आवर। उनका लोकल जो चैनल है वहां पब्लिश करेंगे, हम चाहते हैं उसके अंदर फिर हम शाम का एक 5 से 7 का हमें कोर्स नेक्स्ट सैटरडे संडे का अनाउंस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट 5 to 7 सैटरडे संडे इज कंफर्टेबल फॉर US पीपल, है ना? तो नेक्स्ट हम सेशन इसको पूरा करेंगे। ओके, और बाकी सब बढ़िया, वेरी गुड माय सब। अच्छा, आज मॉर्निंग में कौन कौन लोग थे? जया जी थी, वर्षा जी थी। अच्छा, वर्षा जी का पहला एक्सपीरियंस हम बोलते हैं। वर्षा जी कैसा लगा आपको सुबह? आर यू गोइंग, आप कनेक्ट हो पाए? आपको अनम्यूट, आप अनम्यूट करें, अपने अनम्यूट करें अपने आपको। हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और स्पेशल जल्दी जल्दी काम करके यही सोचा मैंने कि नहीं आज तो मैं ज्वाइन करूंगी ही, यानी किसी भी तरह, यानी देखिए, और स्पेशली वो ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग वाला जो बताया वो मेरे, मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगा है। सैंडविच वाला प्रोसेस, और इसमें ब्यूटी क्या रही मालूम है आपको? ये आपको सुनना कि आप ये प्रोसेस करेंगे ना, तो आप जिन जिन रिलेशंस को याद करेंगे ना, हो सकता है आपको वहां से फोन आ जाए। कोई आश्चर्य मत करना कि आप जिसको याद कर रहे हो तो मतलब वही फोन लगा रहे, क्या हाल है। हो सकता है वो 2-2 साल, 3-3 साल से बात नहीं करी हो, लेकिन वो आपका फोन आ जाता है। हो सकता है आपके एंसेस्टर आपके प्रेयर में आ जाए, क्योंकि सच्चे दिल से, सच्ची प्रार्थना से किसी के प्रति कृतज्ञता व्रत करो, वो धन्यवाद देने जरूर आता है। हमें उनको बुलाने की अपेक्षा नहीं, हम तो बस हमारा ड्यूटी कर रहे हैं कि 5 तत्व के शरीर को इस लायक बनाने में जिन जिन रिश्तों का योगदान रहा, वो भले सुख देने में या दुख देने में। अगर दुख भी दिया तो हमारे वो ओल्ड सिंह कटे ना, हमने दुख को भी झेला, वो भी एक प्रकार का हमारा सिंह कटा। हम याद रखें कि ये जीवन में हम किसी का ना दिल दुखाएंगे, और यम और नियम जो हमने अष्टांग योग में सीखा था, यम और नियम, ये आज एकादशी का दिन है, आपको वापस रिवाइज करवा रहा हूं। कौन करवाएगा? अष्टांग योग में हम प्राणायाम करें, योगा करें, आसन करें, इसके पहले 2 चीज आपको याद रखना है, वह है पहला यम और दूसरा नियम। कौन बताएगा? श्री रमन। देखिए नाउ, अगर कोई भी साधना करने बैठे आप, कोई भी अगर आप प्राणायाम भी करने बैठे हैं, तो पहले आप ये 2 चीज आपने करी है कि नहीं करी, करते हैं तो वो साधना सफल होगी आपकी। यस श्री गोपाल। यस जी, NTHCD है यम, सो एन से नॉन वायलेंस, टी ट्रूथ, हेच इज हॉनेस्टी, सी फॉर कैरेक्टर, and D is for detachment. देखिए, मैं अब हिंदी मोर करता हूं आपको कि यम पहली चीज, उसमें 5 नियम है। यम मतलब बाहरी दुनिया के नियम, बाहरी दुनिया के नियम, और नियम बाकी वो आपके अंदर की दुनिया के। तो पहले 5 बाहर की दुनिया के लिए, जब भी हम बाहर के लोगों से इंट्रोगेट करें, जब बात करें, तब आप ये 5 चीज याद करना। उसको हमने शॉर्ट वर्ड कर दिया NTHCD। अब N फॉर नॉन वायलेंस, अहिंसा, हमारे मुख से, हमारे शब्दों से, हमारे विचारों से किसी के मन में अपन, हमारे प्रति हम अहिंसा के भाव न रखें। सेकंड थी ट्रूथ, NT फॉर ट्रूथ, सत्य, हमेशा जो भी शब्द बोले सत्य बोले।
एच फॉर ऑनेस्टी, हमेशा बाहर की दुनिया के लोगों के साथ ऑनेस्ट रहे. ऑनेस्ट आया साउंड है ना हिंदी में, हिंदी में बताऊ बाहरी दुनिया के आधार, एक तो अहिंसावादी रहे, सत्य बोले, एक ऑनेस्ट रहे, किसी दूसरे की चीज पर अपनी नजर ना लगे. आप जो जिस चीज को देख रहे हो इससे कहीं गुना अधिक आप ऊपर वाले ने अपनी सोच रखी. सी कैरेक्टर, ब्रह्मचर्य, अपना कैरेक्टर पे लागू करना, मतलब आपकी जो पांच इंद्रियां हैं इसको अपने वश में करना. डिटैचमेंट मींस परिग्रह, कोई भी चीज आवश्यकता से अधिक संग्रहित ना करें, आवश्यकता से अधिक नहीं करना. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज अ पॉइजन, वो भले पैसा भी हो, वो भले सोना हो या प्रॉपर्टी हो, पैसा भी हो, वो भी आपके लिए पॉइजन काम करेगा. क्यों करेगा? आपके बच्चे सोचे हैं कब बाबूजी जाए और हम कब वसीयत मिले. मैं बड़े प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं. तो एवरीथिंग, कभी जिंदगी में आवश्यकता से अधिक संग्रहण ना करें. अब आज से आप ये बात लागू करें, करें कुछ ऐसा कि अपन यहां से साथ में ले जाए. तो एन टी एच सी डी याद रखिएगा, जब भी एन का नाम आए, यम का नाम आए, अष्टांग योग का यम, तो पांच नियम है उसके, पांच शॉर्ट फॉर्म एन टी एच सी डी. एन फॉर नॉन वायलेंस, टू फॉर टी फॉर ट्रूथ, एच फॉर ऑनेस्टी, सी फॉर कैरेक्टर ब्रह्मचर्य, डी फॉर डिटेचमेंट पार्टिकल आवश्यकता से अधिक संग्रहण. नाउ नियम, नियम कौन बताएगा? वाओ कंचन जी, मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू स्टिल रिमेंबर, बहुत अच्छा लगता है. अब एक मिनट अनम्यूट कर दे. प्रणाम गुरुजी. ब्लेसिंग बेटा. गुरुजी इसमें भी पांच है, सी एंड फोर टाइम्स एस, पी फोर टाइम एस, सी 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 फॉर क्लींजिंग, पी ने पी क्लींजिंग, पी फॉर पी एस, यस बोलिए, सी फॉर क्लींजिंग. Then one S is satisfaction, another is strong, another is self-analysis, and the fourth is surrender. Wow, very good. Really, I am happy. Still, the my whatever knowledge I delivered, you remember it. It is a मुझे खुशी मिलती है. अब नियम जैसा बताया कंचन जी ने, यम का नियम हमने पांच बाहरी दुनिया के लिए और ये चार आंतरिक दुनिया के लिए, उसको हमने किया PS4. P for purification, शुद्धिकरण. किसका? अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का शुद्धिकरण करते रहे, डिटॉक्स विद द हेल्प ऑफ प्राणायाम. एंड S for, फर्स्ट S, पहला S किसको रिप्रेजेंट करेगा? आप बोलो, आपसे बोलूंगा, चारों फिर मैं बताऊंगा. सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि, सदा संतुष्ट रहे, जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहे. और थर्ड थिंग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखे, मतलब बाहरी दुनिया के कोई भी लालच हो जाए अपन अपने आप को तप में रखे. तपना मतलब साधना, बाहरी कोई व्यक्ति वस्तु परिस्थिति आपके व्यक्तित्व पे हावी ना हो. एक सेल्फ रियलाइजेशन, स्वाध्याय, जो हमने बताया था आज तक कौन करता है उसको. आई रियली वांट टू ऑर्डर इंडिया का बुक, इंडियन हिस्ट्री का बुक. कौन ओपन कर रखा है यार, किसने ओपन करा है? फॉर दिस स्वाध्याय, सेल्फ रियलाइजेशन, स्वाध्याय मतलब जब भी आप रात को सोएं, आपकी एक बड़ी मृत्यु होती है, एक छोटी मृत्यु होती है. क्लियर? तो बड़ी मृत्यु के टाइम आप को ध्यान में रहेगा, लेकिन छोटी मृत्यु होती है, हर रात को आप सोते हैं, कहां जाते हैं आपको नहीं मालूम, और सुबह कैसे नींद खुल जाती है, अलार्म भी बजाते हैं लेकिन क्या मालूम उठेंगे कि नहीं. तो हमेशा रात को सोते वक्त दोनों हाथों को पेट पर बंद करके, आंखें खोल, आंखें बंद कर सुबह से लेकर शाम तक का अपना दिन का चेक करें. व्हाट यू डिड, सुबह आप कितने लोगों से फोन पे बात करी, घर से बाहर जा नहीं रहे आप लोग, किसके बारे में क्या ख्याल आया, कैसा क्या आया. अगर आपके शब्दों से किसी का दिल दुखाओ, वही सरेंडर कर दो, भगवान माफ करना मेरे से गलती हुई,
अगर किसी ने आपके ऊपर गलती करी उसको भी कहना भगवान उसको माफ कर, और धीरे से ये अपने दिन का पूरा अवलोकन करके कि आपसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर कुछ अच्छा हुआ वही भगवान को समर्पित कर दे, अगर किसी ने पूरा वही भगवान को समर्पित कर दे, वो पूर्णता मुक्त भाव के साथ अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर ले आए, आंखें बंद करके वो 11 बार श्वास मुख से छोड़े और आंखें बंद के साथ ले जाए, क्योंकि भगवत गीता के एक चैप्टर में कहा है जो भी मानव अपनी मृत्यु के समय अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लेकर आएगा वह मुझको प्राप्त होगा। तो हम इस कलयुग वालों ने भी दिमाग लगा लिया, हम रोज रात को सोएंगे अपना स्वाध्याय करके पूरी तरह से अपने आप को मुक्त करके और अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर रखकर सोएंगे, क्योंकि अगर इसको आपने आदत बनाई हैबिट बनाई तो मेरा पूरा विश्वास है हम सबका भी जो अंतिम समय आएगा तो आखिरी समय ऑटोमेटिकली आपका ध्यान थर्ड आईज पे जाएगा। थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी इसकी, ये आपको मैं घर की प्रैक्टिस दे रहा हूं, कुछ साधना समाधि लगा के हिमालय पे बैठना ऐसा नहीं, केवल आप रात को सोते वक्त इसकी आदत डाल ले और फिर देखें जीवन कई डेबिट क्रेडिट रख के नहीं जाएंगे, कई बार तो ये रहते हैं कि नहीं मेरी गलती नहीं है उसकी गलती है, उसको आगे होके बात करने की, मैं क्यों करूं मैं कौन, अरे कौन हो आप, एक अस्थाई शरीर 5 तत्व के, कब चले जाओ भरोसा नहीं, कब ऊपर वाला स्विच बंद कर दे श्वास का, कब चले जाओ आपको नहीं मालूम, मैं मैंने नहीं किया, मैंने किया उसने ऐसा किया वो क्यों करा, मेरी गलती थोड़ी है उसकी गलती, अरे जिस प्रकार आप अपने आप को माफ करते हो उसी प्रकार उसको अपना समझ के उसको माफ करो, उसको दिमाग में मत बिठा के बैठो उसने ऐसा बोल दिया इसने ऐसा बोल दिया इसे लाइक दिस इसे लाइक दी आई डोंट लाइक। रात को सो तो आप सभी अपने किसी व्यक्ति से किसी वस्तु से किसी परिस्थिति की पीड़ा को भगवान को समर्पित करके अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर रखकर 11 बार श्वास छोड़ रात्रि विश्राम करो, आप देखो आप द क्वालिटी ऑफ स्लीप वो भी सुधरेगी और आपको नींद भी अच्छी आएगी और सुबह उठ के आप एक अलग ऊर्जा से उठोगे। कभी कभी हम रात को सोते वक्त भी वो दिक्कत देती है, मेरी गलती नहीं थी उसने सब क्यों बोला उसने सब क्यों बोला, और रात को सपने में आता हूँ घटना, सुबह भी हम भारी मन से उठते हैं, होता है ना ऐसा, यस नो होता है ऐसा ना, हैपन। So just release yourself. अगर आप रोज मुक्त करेंगे रोज सफाई करेंगे, क्यों भी आप 10 दिन में एक बार नहाया करो ना, क्यों रोज नहाते हो, अगर रोज अगर भारी शरीर को साफ करते हो तो अंदर शरीर को भी साफ कर लो रोज रात को सोते वक्त, और रोज सुबह बाहर से साफ करो रात को सोते वक्त, आंखें बंद करो जिसको मानते हो उसको याद करो, सुबह का दिन याद करो कब उठे कब क्या हुआ क्या गलती हुई मुझसे क्या हुआ ये बात करी, गलती गई उसको माफ कर दो, उससे गलती उससे माफी मांग लो, रात को सोते प्रफुल्ल मुद्रा में धन्यवाद भगवान को आज का दिन पूरा दिखाया, आज्ञा चक्र पे ध्यान ले जाओ 11 बार मुख से सांस छोड़कर, ऐसे कैसे आंखें बंद आंखों के साथ सो जाओ, इज गुड डे यस नो। मैं चाहूंगा आप सब लोग इसका पालन करें और अष्टांग योग जो है उसमें यम और नियम बाहरी अनुशासन और अंदर के अनुशासन इन दोनों का पालन करके जब आप साधना करने बैठेंगे। चलिए अपन आज की साधना जो शुरू करेंगे उसके पहले वीनस मेडिटेशन उसके पहले हम आज एक बार आज का स्वाध्याय कर लेंगे, स्पेशली दोज आर फ्रॉम द यूएस दे आर मस्ट बी हैविंग द मॉर्निंग, बट दोज आर फ्रॉम द इंडिया जो इंडियन है उन लोगों के लिए तो शाम ही होगी रात्रि होगी अभी सोने का टाइम होगा घंटे बाद, हम तो कर लेते हैं, और स्पेशली योर यूएस पीपल you do it again and again again repeat it when you go to sleep in the night, okay clear। आइए हम सब मिलकर शुक्र ग्रह की एक राशि जिसमें सूर्य ग्रह भी अच्छे परिणाम नहीं दे पाते, सूर्य ग्रह सन प्लैनेट अगर वीनस लिब्रा में हो तो ही इज अनेबल टू गिव हिज गुड रिजल्ट, तो क्यों ऐसा क्यों होता हम बात करेंगे, तो एक मिनट के लिए अपनी आप दोनों हाथों को सह लें
कीप द डिस्टेंस, थोड़ा डिस्टेंस रखें दोनों हाथों में और नजदीक लाएं और नजदीक ले आए, मोर क्लोजर। नाउ स्टॉप, इट विल मीट ऑटोमेटिकली। कीप द डिस्टेंस ऑफ 2-3 inches, 2 inch का अंतर महसूस रखें दोनों हाथों में। अलाउ देम टू मीट टूगेदर, दोनों हाथों को मिला लें एंड स्टार्ट रबिंग। रिमूव द हैंड, and okay, both hand on the knees, tight your knees, apni tight knees ko rakh le, agar aap chair pe baithe to bhi aap isko rakh le, and hike your shoulders, dono haathon ko shoulders ko upar kar le, nabhi par dhyan rakhe aur 11 round kapal bhati ka karenge। करें एक बार 11 बार, कंधे ऊपर, चेस्ट ऊपर, दोनों हाथ घुटनों पर, बोथ एंड लाइक दिस, कीप इन द टॉप, मेक द फिंगर लाइक दिस, अलाउ योर बॉडी, सम फोर्स इज पुलिंग यू अप, कोई शक्ति आपको ऊपर खींच रही है, जाने दे दोनों हाथों को ऊपर और जाने दे, एंड रिलैक्स, दोनों हाथों को नीचे ले आए। आंखें बंद कर लें, अपने अपने आराध्य को याद करें, टू होम यू फॉलो, यू डीटिंग साईं बाबा, शिव भगवान, कृष्ण भगवान, जो कोई बात दे, बिकम अवेयर ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, अपने जन्म दिनांक को याद करें, अपने जन्म नक्षत्र को याद करें, रिकॉल योर डेट ऑफ बर्थ एंड योर बर्थ नक्षत्र, बिकम अवेयर ऑफ योर नेम, अपने नाम के प्रति सजग हो जाए, अपने नाम से जुड़े ये शरीर, 5 तत्व के शरीर से सजग हो जाए, Mm-hmm.
हस्बैंड थिंक अबाउट देयर वाइव्स, पति लोग अपनी पत्नियों के पत्नी के चेहरे पर ध्यान ले आए, अगर आपको घर में बेटी है बेटी पे चलना ध्यान ले आए, बिकम अवेयर ऑफ योर डॉटर। Become aware of any goddess, Durga Ma, Saraswati Ma, कोई भी माता का रूप अगर आंखों में आ रहा है, bring the attention toward them. Become aware of any small doll. एक नन्नी गुड़िया पर अपना ध्यान ले आए, become aware of it. नन्नी नन्नी उंगलियां, नन्ना सा शरीर, become aware of the dolls. वह गुड़िया अब बड़ी हो गई है, he become 12 year old, start going school. जो भी चेहरा सामने आए उसके साथ रहे। एक 12 वर्ष की गुड़िया जिसमें जान है, जो चल रही है दौड़ रही है, पूरी दुनिया जहां बसती है उसके मुस्कान में, आपके परिवार की गुड़िया और बड़ी हो गई है। एक अज्ञात भय सा रहता है आपके मन में, अपने आप को एक बेटी का पिता माने या मां माने, अपनी सारी खुशियां उस पर निछावर कर लेंगे। नाउ द डे इज कम व्हेन यू आर थिंकिंग टू मेरी अफर, अब वो समय आया है जब आप उसका विवाह करने की सोच रहे हैं। सोचें, कल्पना करें, महसूस करें उस बच्चे के भाव, आपके भाव, जो इतने वर्ष आपके घर के आंगन का एक खुशबू बनकर रही, वह किसी और के घर जाने को तैयार, आपके घर की खुशबू पूरी सौंप रहे किसी और को,
Just be with that moment. And the daughter is going after the marriage with a new life. जिंदगी का दूसरी पारी शुरू करने जा रही है. घर छोड़ किसी पराए घर पे जा रही है. एक चिंता दूर हुई, दूसरी चिंता और बढ़ा रही है. मेरी बेटी खुश रहे. कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुमको दिखाई देंगे, पर हम न नजर आएंगे. हाँ चल में सनो लेना हमको, पलकों पे सजा लेना हमको. याद करे वो पल जब आपकी जीती जागती गुड़िया आपके घर का द्वार से कहीं और क्या द्वार रोशन करने जा रही है. धन्य है वो माँ बाप, दे वेरी ब्लेस कपल्स, जो अपने कलेजे का टुकड़ा किसी और को सौंप रहे हैं. बाबुल काबो झिलबो झिल मन, बाबुल काबो झिलबो झिल मन, मैया की आंखों से बरसे है सावन. भारी जिया कर जाए बिटिया पिया घर जाए, भारी जिया कर जाए बिटिया पिया घर जाए. भृगुवंश जाताय विद्महे
श्वेतवाहनाय धीमहि तन्नो कविय प्रचोदयः। इस पल तक किसी ने भी आपका दिल दुखाया हो या आपके शब्दों से विचारों से किसी के दिल को ठेस पहुंची हो, सरेंडर द बोथ थिंग इन द डिवाइन एनर्जी, इस शुक्र ऊर्जा में सभी को समर्पित करें। अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लेकर आए और 11 बार श्वास मुख से खाली करें। Become aware of your surroundings, अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग। अपना समय लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल सकते हैं। You can open your eyes slowly, slowly and gradually. Drink the water. Today's Venus meditation, Libra meditation, automatically convert in a daughter meditation. अगर इस दौरान कहीं मन में आपके आंखें नम हो गई हो ना, जो वो नमी है ना आपके, वो ईश्वर है।
वह ईश्वर तत्व है। कई बेटियों, कई माता पिता को अपनी बच्ची याद आ गई होगी, कई बेटियों को अपने माता पिता याद हो गए होंगे। यही हमारा काम है डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग का, ऑटोमेटिकली आपको आपके रिश्तों से जोड़ना। एक बेटी को चिंता नहीं होती, लेकिन आज की तारीख में मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है, इट्स माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कि आज की तारीख में जो काम बेटे नहीं कर पा रहे हैं वो बेटी कर रही है। व्हाट इज द डिवोशन टुवर्ड द पेरेंट्स कंपैरेटिवली, द डॉटर आर मोर कंसर्न बिसाइड द सन्स। बेटियां माता पिता के प्रति ज्यादा सजग है, ज्यादा समर्पित है बजाय पुत्रों के। इसका रीजन भी सिंपल है, क्योंकि पुत्र आते हैं घर में, दूसरा ब्लड आता है उसमें रम जाते हैं, उनके भी दोष नहीं, उनकी प्रायोरिटी उनकी वाइफ और बच्चे। लेकिन आज की तारीख में भी डॉटर्स ऐसे हैं जो आज की तारीख में इतनी एज के बाद भी वह कंसर्न शो करती है अपने पेरेंट्स के प्रति। क्योंकि मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूं, मेरे पास हर व्यक्ति के प्रकार के फोन आते हैं, तो मैं देखता हूं, भगवान धन्यवाद, एक कलयुग के अंदर हो सकता है संतान से दुख मिल रहा है, लेकिन कन्याओं से माता पिता को खुश मिल रहा है। वह गया टाइम कि उस घर का कुएं का पानी नहीं पीते थे, उस गांव का पानी नहीं पीते थे जहां पर हमारी बेटी की व्याधि करके आते। रिमेंबर हाउ मेनी आर ओल्ड पीपल, दे रिमेंबर इवन वेन दे आर नॉट सपोज टू गो इन दैट विलेज। और उस गांव में जहां पर बेटी की शादी करी वहां का पानी तक नहीं पीते थे, किसी दूसरे के घर का भी नहीं पीते। अरे साहब हमारी बेटी वहां गया। लेकिन ये कलयुग है, कहानी घूम के आती है। आज माता पिता का सबसे ज्यादा ध्यान उनकी घर की बेटी कर रही है। यस नो, वैसा नहीं मैं बेटों को मना नहीं करूं, बेटे नहीं रख रहे, बेटे भी रख रहे हमारे, लाइक विश माय गॉड डेली कंसर्न अबाउट द फादर, हर व्यक्ति से। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैं न जाने कितने लोगों से जुड़ा रहता हूं, रोज उनके फोन अटेंड करता हूं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है डॉटर्स आर जस्टिफाइड मोर देन सन। इट इज माय अनफॉर्चुनेट दैट मेरे को दोनों बेटे हैं, लेकिन भगवान ने कुछ ब्लेसिंग इसे दी, इतनी सारी बच्चियां मेरे को दी। ये जया तो बोलती है, बोले गुरु जी आप तो जिसको चाहो उसको बेटी बना लेते। मैं कोई नहीं होता बनाने वाला, मतलब सब आत्मिक संबंध है। कितने लोगों को तो आप बताइए, कैन यू बिलीव इट, आफ्टर 15 इयर्स प्रॉपरली आए सा अंजू बहन को मैंने आज 14-13 साल से जो राखी भेज रही है वो वीडियो कॉल पे भी हम नहीं कर पाते बात, क्योंकि इतना व्यस्तता रहते हैं, ये भी अपने काम, अब पहली बार देखवा रहा हूं मैं इतने ध्यान से। मेरी मिसेस तक जानती है अंजू की राखी आएगी, वो आप अंजू दीदी की राखी बनवा लेना, आप घर जा रहे, मेरे को याद दिलाती है वो कि राखी आएगी वो बनवाना आप घर में, वो भाभी का है उससे बनवाना, इनसे बनवाना, उतने बंद गए। ये क्या है, अभी आपके सामने एडमिट कर रहा हूं मैं कि जस्ट पहली बार इतने ध्यान से देख पा रहा हूं अंजू को, बेटा इनका देख मिल गया। लेकिन ये भावना क्या है, तो इसमें आप कहीं ना कहीं मानो कि शरीर एक तरफ रह जाता है, भाव कनेक्ट होते हैं, बॉडी तो एक तरफ रह जाती है। आज देखो ना कैसे संबंध है, आज मेरे को लगता है मैं अंजू से बात करता हूँ धर्मशाला फोन लगा के, अरे मेरा वो आ रहा है मेरे का, लेकिन देखा नहीं है दूसरे को। ये दिस इज द अनकंडीशनल रिलेशनशिप, ओके, तो बी विद दैट एंड जो फोकस करें आप डेली का ध्यान रखें। और कल आज हमने थोड़ा लिब्रा के बारे में करेक्टर्स जाने, नक्षत्रों का जाना, हल्का सा आपको माइंड में रखना बस कि ये तुला राशि है, तुला राशि का मालिक शुक्र ग्रह होते हैं, इससे लिब्रा एसेंडेंट, लिब्रा ऑनर इज वीनस। तो वीनस का ऑनरशिप दो प्लैनेट का है, फर्स्ट इज द सेकंड टोरस एंड अनदर इज लिब्रा। अब कल से चालू होगा मार्स का एक बचा हुआ है 8 नंबर का, स्कॉर्पियो, तो मार्स का भी एरिस और स्कॉर्पियो दोनों क्लियर हो जाएगा। 1818 नंबर रिप्रेजेंट बाय द मार्स, 2+7 27 नंबर ऑनर्ड बाय वीनस, 36 3 and 6 जेमिनी एंड वर्गो रिप्रेजेंट बाय मर्क्यूरी। तो आप तो सिर्फ राशियों के नाम भी याद करो, बस ये मानो कि मेरा तीसरा नंबर कमरा
कि अगर तीन नंबर लिखा है वो और छह नंबर लिखा है वो उसको बुध ग्रह देखेगा। मेरा दूसरा कमरा जो है दूसरा नंबर जहां लिखा है और सातवां नंबर जहां लिखा है 27 नंबर को वीनस देखेगा, और 18 नंबर फर्स्ट नंबर एंड 8 नंबर लिखा है उसको मार्स देखेगा। मैं आपको याद करा दूंगा अभी कराते कराते, यू विल बी कंप्लीटली नोन एंड व्हेन यू एंटर्ड इन द एस्ट्रो सेशन तब आपको नयापन नहीं लगेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर बिकम ए पार्ट ऑफ द कोर्स सेशन। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। पुनः आज का दिन डॉटर्स को समर्पित है। सभी डॉटर्स बेटी भाग्यशाली होते हैं, माता पिता जिनके घर में बेटी आती है, समस्त बेटियों को प्रणाम करते हुए आज के कोर्स में ही विराम देता हूँ। कल मिलते हैं 8:30 बजे। नमस्कार, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर स्माइल। अपना ध्यान रखें, अपनी मुस्कान का ध्यान रखें, और आज सोते वक्त आप स्वाध्याय जरूर करके सोएं। ओके, ब्लेसिंग्स।